I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. सुबह सुबह अकेली अकेली आइसक्रीम खा रही हो, मेरी याद नहीं आई? नहीं, मैं तो सिर्फ एक आइसक्रीम खा रही हूँ, माने के। विटामिन ए, खूबसूरत आंखों के लिए। विटामिन बी, स्फूर्ति के लिए। विटामिन सी, सर्दी जुकाम से बचने के लिए। विटामिन डी, मजबूत हड्डियों के लिए। विटामिन ई, सुंदर त्वचा के लिए। अरे तुम माँ बेटी दोनों पागल हो गई हो क्या? उसको डिक्टेटर बनने का शौक है, तुमको डॉक्टर बनने का शौक है। अरे अपना इलाज खुद करना बंद कर दो। तुम्हें इतनी सारी दवाइयाँ खाते हुए देखकर मेरे पेट में कुछ होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द, गैस, खट्टी टकर, गले में की चीज। हाँ ये लीजिए टैबलेट, गले से होती दर्द गायब, कीमत सिर्फ 2 रुपये। शट अप। इतनी फालतू दवाइयाँ खाकर अपने आप को रोग लगा बैठी तो जिंदगी भर पछताओगे। जॉन, आ गई मुसीबत। आया डार्लिंग, आया। लिजी, अंडे लेती आना। यस मॉम। मैगी, कहाँ है ये लड़की? हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए लेट होती है। मम्मी, मैं लेट नहीं आती, आप जल्दी आ जाती हैं। शट अप, चुपचाप बैठो। मम्मी, भूख नहीं है। देखो मैगी, भूख हो या ना हो, ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। भूख नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा। अब मुझे इसके लिए एक और गोली लेनी पड़ेगी। ये कौन सी गोली है? भूख लगने के लिए। अच्छा, तो हजम करने के लिए तुम्हें एक और गोली खानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो फिर ब्रेकफास्ट क्यों, गोली खा लो। गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग पापा। आप भी हमेशा बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट के लिए लेट होते हैं। सॉरी मैडम, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैगी, तुम अपने मैनर्स भूल रही हो, खाने के पहले प्रे नहीं करोगी? सॉरी मम्मी। मेरा देश आजाद हो चुका है मगर मेरा घर अभी तक गुलाम है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, न खा सकता है, न पी सकता है, न रो सकता है, न सो सकता है। यहाँ हर काम मम्मी के हुक्म से होता है। ओह गॉड, हमें इस ग्रेट डिक्टेटर से बचा लो। आमीन। गॉड, मैगी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। तू ही हम सबको इस हिटलर से बचा सकता है। आमीन। पापा, प्लीज आप मम्मी से कहिए ना कि वुमेन्स काउंसिल के प्रोग्राम में पृथ्वी को गाने का चांस दे। पापा, पापा प्लीज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे उस हिटलर को समझाना खाने का काम नहीं है। अगर तुम्हारे मम्मी को कोई पटा सकता है, समझा सकता है, तो वो है वन एंड द ओनली जॉन एफ पिंटो। आपने सही कहा पापा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बहादुर हैं, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम्हारे उस क्या नाम है उसका? पृथ्वी। पृथ्वी, आर यू मिस्टर पृथ्वी? यस सर। मेरा नाम पिंटो है, जॉन पिंटो, और ये मेरी बेटी मैगी। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कितनी खुशी हुई ये तो बाद में पता चलेगा। मैगी, तुम कैसेट देखो, मैं जरा पृथ्वी से बात करता हूँ। तुम मैगी को कब से जानते हो? बहुत दिनों से सर। मैगी से प्यार करते हो? यस। क्यों? प्यार करने के लिए कोई रीजन नहीं होता सर। मैगी से शादी करोगे? नहीं। हाँ? नहीं करूंगा सर। मगर मैगी तो कहती है कि तुम किसी और से लव करते हो। मैगी कहती है सर? यस। टेल मी द ट्रूथ, ये दूसरा कौन है? सर अगर मैगी के अलावा मैं किसी को चाहता हूं तो वो है म्यूजिक सर। एग्जैक्टली। तुम म्यूजिक को कितना चाहते हो? म्यूजिक को? यस। मैगी से ज्यादा सर।
एम सॉरी सर, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता सर। सर, मेरे गीत ही मेरी आत्मा है, संगीत ही मेरे जीने का कारण, मेरे दिल के धड़कन में भी मुझे सरगम सुनाई देता है। संगीत के वजह से ही मैं इस दुकान में काम करता हूं। जब भी मैं यहां होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे बड़े से बड़े कलाकार मेरे साथ हैं, मेरे सामने खड़े हुए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। सर, मैं समझता हूं यंग मैन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं। तुम्हें फन है मगर चांस नहीं। कोई बात नहीं, अपनी म्यूजिक को, संगीत की आग जो तुम्हारे सीने में जल रही है, उसे बुझने नहीं देना। तुम्हें चांस जरूर मिलेगा। चलो मैगी। थैंक यू सर। मैगी। आई पापा। तो तुम मुझसे ज्यादा संगीत से लव करते हो? नहीं मैगी, मैगी। संगीत तुम्हारी धड़कन है, आत्मा है। ठीक है, आज 4 बजे फोन करना, तब बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैगी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। फोन मत करना, खुद आना, आमने सामने बात होगी। चला। ये क्या है? नाइट गाउन। मेरे लिए? ऑफ कोर्स। आर यू ऑल राइट? यू बेट। थैंक यू। पापा। बी ब्रेव। आई एम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, गो गो। क्या कर रहे हो? करने दो मुझे, करने दो, करने दो। क्यों, शादी की पहली रात याद आ गई? आए इतनी सेवा, जरूर कोई बात है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हा? कुछ नहीं चाहिए। ओ पापा, तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए? पहले ये साड़ी छोड़ो। हाँ, औरत को और साड़ी को संभालना बहुत मुश्किल काम है। नहीं हंसो मत। नहीं बोली ना। स्टेला एक लड़का है, पृथ्वी, पृथ्वी उसका नाम है, बहुत अच्छा गाता है। गीत, गीत उसकी आत्मा है, संगीत उसके जीवन का कारण है, उसको अपने दिल की धड़कनों में भी संगीत सुनाई देता है। ये लो, देखो तुम्हारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक म्यूजिकल प्रोग्राम होने वाला है, तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उसमें आएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ वो लड़का, उस लड़के को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। यस। तुमने क्या सोचा कि बेडरूम में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा? नहीं, बेडरूम में तुम मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारो तो कौन देखेगा? You naughty? तो मैं बात पक्की समझू? स्टेला, तुम हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती है, सच्ची। हाँ यस सर, आपका हांगकांग से आगे जाने का पूरा बंदोबस्त हमारी एजेंसी ने कर दिया है सर। थैंक यू मिस्टर। हाँ, डोंट वरी सर, डोंट वरी। तो मिस्टर पिंटो, मेरी वापसी का टिकट क्या हुआ? से वापसी जी वो ऑटो रिक्शा से चले जाइए, या तो ट्रेन से। प्लेन से, साइकिल, साइकिल, साइकिल से। ईरान में भूकंप आ गया है। भूकंप? अर्थक्वेक? अर्थक्वेक कहाँ आ गया? जी मेरे सामने भी खड़ा है भूकंप। आप हेलो, रख दो फोन, रख दो। हेलो 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 मिस्टर पिंटो। भूकंप। फॉलो मी, फॉलो मी। भूकंप। अजी आप उठ के क्यों खड़े हो गए? बैठी बैठी बैठी,
कोई तकलीफ नहीं, नो फॉर्मेलिटी, बैठ जाइए आप, उठ जाइए तो बैठ जाइए। अच्छा अच्छा आप बैठ जाइए, जब तक आप नहीं बैठेंगे कैसे बैठेंगे, बैठ जाइए ना, बैठिए बैठिए, हाँ मेरे पास बैठिए। अरे आओ भाई आओ, हाँ 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 बात ऐसी है कि आ आ क्या महक साहब, वाह 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 भाई, ये वाकई लिप्टन की है ना, मैं से मुझे चाय पीने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं साहब, ये चाय भी कोई पीने की चीज़ है साहब, मगर क्या कभी मैं जरा एकदम पी लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। लेकिन देखिए अब मैं काम की बात करूँगा, पहली बात तो ये है कि मैगी और पृथ्वी प्यार करते हैं एक दूसरे को, और दूसरी बात यह है कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, और तीसरी बात यह है कि चाय जैसी लाजवाब चीज दुनिया में नहीं बनी आज तक। नहीं, तीसरी बात यह है कि मैं पृथ्वी का रिश्ता लेके आया हूं, पृथ्वी का मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं, और मेरा इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं। देखिए प्यार करना कोई पाप नहीं, आपने भी कभी प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी, मोहब्बत में ड्यूएट्स गाए होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, ओ नहीं दिल का लगाना कोई, दिल लगी कोई दिल लगी। ये पृथ्वी, ये पृथ्वी ये मैगी से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस पहले ये बताइए आप हैं कौन? जो सबसे पहले बताने वाली चीज थी वो मैं सबसे पहले भूल गया। मैं अभी आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो क्या है, मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम नहीं किए, क्या क्या काम करने वाला हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है। सूरज की किरण, बादल, पान पराग, पान मसाला, पान पराग, पान मसाला, बनने वाले सामने आ। मैं विजिटिंग कार्ड लाना भूल गया, सॉरी। खड़े हो जाइए, राष्ट्रगीत होगा। मैं कहती हूँ खड़े हो जाइए। निकल जाओ इस घर से, इससे पहले कि नौकरों को बुलवाकर उठवाकर बाहर फिकवा दूं। जलील, बेशरम, दारूबाज, तुम इस खूनी, इस गुंडे का रिश्ता लेकर आए हो? तुमने समझ क्या रखा है? तुमने तुमने इस घर को क्या समझ रखा है? निकल जाओ मैं कहती हूँ, निकल जाओ, वरना जूते मार मार के बाहर फिकवा दूंगी। जैसे गुरु और चेले तो जेल में होने चाहिए, लगता है ऐसे नहीं जाओगे। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बहुत गहरा है, काफी अंतड़ियां कट चुके हैं, हमने स्टिचेस तो लगा दिए हैं, लेकिन खून रुकी नहीं ना। अरे जोश खाया हुआ जवान खून है, इतनी आसानी से थोड़ी रुकेगा। खून बंद करना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई दवा असर ही नहीं कर रही। नहीं नहीं, मगर डॉक्टर साहब मैगी पर तो हर दवा बहुत जल्दी असर करती है। मैं समझा देंगे डॉक्टर साहब, मैगी को खुद पर तजुर्बा करने का शौक है, वो जिस नई दवाई का एडवर्टाइजमेंट देखती है उसे जरूर खाती है। उसके पास है ना एक फर्स्ट एड डायरी है, उसके अंदर है ना हर बीमारी की दवाई मौजूद रहती है। That's it. This can also be one of the reasons. बिना सोचे समझे इतनी दवाइयां खाने से बॉडी इम्यून हो गई है, इसीलिए शरीर में कोई दवा असर ही नहीं कर रही। फिर भी एक्सक्यूज मी, कैसी है वो? स्टेला हमारी मैगी की हालत
बहुत खराब हो गई है। ये है उसके रिपोर्ट्स, एक्सरेज, ईसीजी, ब्लड टेस्ट। डॉक्टर ने हर तरह की जांच की है, कितने इंजेक्शंस, कितनी दवाइयां, पर मैगी की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। हमारी मैगी मम्मी आएगी ना? हाँ मैगी। मम्मी अपनी उसूलों से बहुत कड़क है, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मम्मी क्वीन, मेरी प्रिंसेस जिंदा रहे हजारों साल। क्या लग रही है देखो, क्या लग रही है देखो, किसी ने सही सुर सही वक्त पे लगा दिया। देखो कितना प्यारा चेहरा है इसका, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा था ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कुछ नहीं हो सकता। आंखों में आंसू, दाढ़ी बड़ी हुई, किस बात का मातम करो तुम? चलो कॉम्पिटिशन में जाना है कि नहीं जाना? चलो मैं नहीं जाऊंगा। सुना तुमने पृथ्वी? मंजिल का तुम्हें बरसों से इंतजार था, वो तुम्हारे सामने है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। नहीं नहीं पृथ्वी, नहीं, जाओ पृथ्वी। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता मैगी। मैं दूर कहाँ होंगी, मैं तो तुम्हारे सामने होंगी और तुम भी मेरे सामने होगे। यहाँ मैं तुम्हें वहां देखूंगी, तुम्हारा गाना सुनूंगी और जोर जोर से तालियां बजाऊंगी। जाओ ना प्लीज मेरे लिए, इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज पृथ्वी, तुम्हें मेरी कसम।